शिवहर जिले के देकुली धर्मपुर गांव स्थित एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देकुली धर्मपुर ग्रामवासी तथा एसके रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स कोचिंग संचालक के द्वारा दीप जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही कोचिंग संचालक और बच्चों के द्वारा चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने का अनुरोध भी किया। उनका कहना है कि भारत चीन की सीमा पर हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये उनका जज्बा और बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में बसा रहेगा। साथ ही साथ सभी ने कहा कि हमारे देश के ऐसे शहीद वीरों पर हमेशा गर्व रहेगा। सोमवार की रात लद्दाख की गलवान वैली में भारत और चीन के हिंसक झड़प में हमारे देश के रक्षा करते हुए 20 जवान शहीद हुए और मैं उन 20 शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स सेंटर के तमाम विद्यार्थीगण और ग्रामवासी जो कि देकुली धर्मपुर सेंटर में चलता है, सभी भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ कैंडल मार्च किए और मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि देश के लिए हमारे तमाम जवान शहीद होने के लिए तैयार हैं। इसलिए एक बार मैं पुनः 200 जवानों की शहादत पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।